फ्री फायर के कुछ ऐसे प्रो टिप्स एंड ट्रिक्स जिन्हें आप अपने अंदर समाहित करने के बाद अपने आप को एक बहुत ही शक्तिशाली प्राणी महसूस करोगे। इस वीडियो को अगर आप मिस करते हो तो आप दुनिया में बहुत कुछ मिस करने वाले हो, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सामने वाले एनिमीज को आप भाई ऐसे चुटकियों में मार दोगे लेकिन वो आपको टच तक नहीं कर पाएंगे। एंड तक देखना, चलो शुरू करते हैं। मैं और मेरा दोस्त गाड़ी लेके बहुत ही स्पीड से सामने की ओर जा रहे थे। यहीं पे पत्थर के ऊपर दो बंदे आराम से हमें मारने का प्रयास कर रहे, लेकिन ऐसा तो होने नहीं दूंगा ना। मैंने कुछ डैमेज देने के बाद यहाँ पे वॉल लगा दिया। बंदा डैमेज है इसलिए मैं उसके ऊपर रस मारूंगा, और यहाँ पे MP40 बहुत ही ज्यादा रिकॉइल कर गया तो मैंने AWM से बंदे को खत्म कर दिया। ऊपर एक बंदा है, इसको मैं यहाँ से तो नहीं मारूंगा क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा नीचे हूँ। अगर वो मारता है मेरे को तो इजिली हेड मार देगा और मैं यहाँ से उसको हेड उतनी आसानी से नहीं मार पाऊंगा। तो हम जाएंगे उसके पास, और मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा MP40 से डैमेज दिया, बंदा नहीं मरा। अब मैंने AWM से मार दिया। यहाँ पे आपने क्या नोटिस किया? चलो कुछ नोटिस नहीं भी किया तो मैं बताता हूँ यार। टिप नंबर 1 है हमारा गन स्विच टेक्निक। बहुत से बंदे क्या करते हैं, एक ही गन से लगातार फायर करते हैं। इससे क्या होता है, अगर आप लगातार फायर करोगे तो जो वो एम है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा, गोलियां इधर उधर जाना स्टार्ट हो जाएंगे, बंदे को नहीं लगेंगी वो गोलियां आपकी। तो आपको लगातार फायर तो कभी नहीं करना है। अब बहुत से बंदे क्या करते हैं, रिलोड करते, दो चार गोली मारा, रिकॉइल होने लगा तो रिलोड करके फिर से मारा, फिर से रिकॉइल हुआ, फिर से रिलोड करके फिर से मारा। ये टेक्निक कुछ हद तक सही तो है क्योंकि बहुत सारे सिचुएशन में ये टेक्निक काम आती है, बट इससे भी बेस्ट तरीका क्या होगा, आपने सामने वाले बंदे को कुछ डैमेज दिया अपने शॉर्ट रेंज के वेपन से, चाहे वो दो गोली वाला शॉर्ट गन हो गया, MP40 हो गया, थॉमसन UMP, किसी से भी आपने उसको डैमेज दिया, और आपका गन जैसे ही रिकॉइल होना स्टार्ट होगा आप अपने दूसरे गन को स्विच करके, चाहे वो लॉन्ग रेंज का हो या फिर वो G18 हो, आप उस गन को स्विच करके इजिली 2-3 गोली का बंदा बचता होगा, आप उसको इजिली मार सकते हो। मस्त प्लान। इस क्लिप में आप जैसे कि देख सकते हो सामने फाइट हो रहा है, मैंने यहाँ पे दो गोली मारा एंड मैं रिलोड करने आया, सामने वाले ने वॉल लगा दिया। अगर मैं यहाँ पे रिलोड नहीं करता, गन स्विच करके उसको मार देता तो उसको टाइम नहीं मिलता ग्लू वॉल लगाने का। आई होप आप अब तक ये तो समझ गए होंगे कि ये वाली ट्रिक बहुत बढ़िया काम करती है, और गन रिलोड या फिर ग्लू वॉल लगाने से अच्छा आप गन स्विच करके इजिली बंदे को खत्म कर दो। अब हम बढ़ते अपने टिप नंबर 2 की ओर, बट जो मैं टिप नंबर 3 बताने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप बिल्कुल मत करना, ठीक है? अब जैसा कि ये वाला क्लिप आप देखो, यहाँ पे एक बंदा था, इसको मैंने बहुत इजीली हेड मार दिया। थोड़ा आगे मैं जैसे ही जाता हूँ यहाँ पे मुझे एक और बंदा मिला जिसको भी मैंने इजीली बैठा के हेडशॉट मार दिया। ये वाला बंदा गाड़ी में बैठा, इसको भी मैंने इजीली हेडशॉट मार दिया। और थोड़ा आगे मैं जैसे ही गया यहाँ पे वो वाला प्लेयर जिसको मैंने हेड मारा था AWM से बैठा के, वो दोबारा जिंदा हो गया और उसको मैंने फिर से AWM का हेड मार दिया। अब मैंने यहाँ पे 4 बार किल किया और 4 बार हेडशॉट क्यों मारा, सामने वालों ने ऐसी क्या गलती की जिससे मैं उसको हेड मार पाया? देखो ये वाला बंदा आराम से ड्रॉप में लूट रहा है बट खड़े होके, इसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं है। ये वाला प्लेयर मेरे को फायर कर रहा है बट इसके अंदर भी कोई मूवमेंट नहीं है। नीचे जो बंदा गाड़ी में बैठा वो भी बिल्कुल स्टेबल है, हिल नहीं रहा है। तो इजीली मैंने उसके हेड पे बैठा के उसको हेडशॉट मार दिया। ऐसे ही अगर आप भी ये गलती करते हो, कहीं भी खड़े हो जाते हो लूट करने के लिए, या फिर किसी को फायर करते वक्त आप ऐसे ही फायर कर रहे हो बिना जॉयस्टिक का यूज किए, तो कोई भी प्लेयर आपको इजीली बैठा के हेडशॉट या फिर वन टैप हेडशॉट या फिर ड्रैग हेडशॉट मार सकता है। तो ये गलती आपको अब से नहीं करनी। हाँ, मुझे पता है अगर आप खड़े खड़े फायर करते हो तो सामने वाले को आप इजीली हेड मार पाते हो, आपका जो गन है वो रिकॉइल नहीं करता है, बट आपको यहाँ पे सबसे पहले अपने आप को देखना पड़ेगा। अगर आपको सामने वाले ने हेड मार दिया फिर क्या, अगर आप ही जिंदा नहीं रहोगे तो आप सामने वाले को मारोगे कैसे? तो सबसे पहले आपको अपनी सेफ्टी देखनी है, डिफेंस करना है, बाद में अटैक करना है, और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको अटैक कैसे करना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक कैरेक्टर के बारे में बता दूं जिसका नाम है DB। व्हेन फायरिंग व्हाइल मूविंग, मूवमेंट स्पीड इंक्रीज बाय 30%, एक्यूरेसी इंक्रीजेस बाय 60%। जब आप अपने जॉयस्टिक का यूज करके मूवमेंट करते हुए भी फायर करोगे ना, तो आपका एक्यूरेसी जो है वो 60% तक इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको खड़े होकर फायर करने की कोई जरूरत नहीं, आप ऐसे मूवमेंट में भी फायर कर सकते हो और अपने आप को सामने वाले से अच्छा खासा डिफेंस भी कर पाओगे, और आप इजीली इस कैरेक्टर की मदद से एक्यूरेसी इंक्रीज भी कर पाओगे। वैसे मैंने इस कैरेक्टर का ज्यादा यूज किया तो नहीं है, पर इसके स्किल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, 1-2 बार ही मैंने इसका यूज किया है, बट यू कैन ट्राई एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स। सॉरी, हिंदी मतलब आप ट्राई कर सकते हो और मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि ये कैरेक्टर कैसा वर्क करता है। यहाँ पे मैं आपको एक और क्लिप दिखाना चाहूंगा। मैं यहाँ पे लूट कर रहा था, मैं जस्ट 1 सेकंड के लिए क्या बेटा, पीछे से बंदे ने मुझे चाकू फेंक के मार दिया यार। तो प्लीज कभी भी ऐसे शांति से बैठ के लूट मत करना, और कभी भी खड़े खड़े बंदे को फायर मत करना प्लीज। वैसे मैं टिप्स एंड ट्रिक बता ही रहा हूँ इतने दिनों के बाद, तो एक और चीज बता दूं, जैसे कि ये बंदा मेरे को खड़े खड़े फायर कर रहा था,
था, मैंने इसको AWM का हेड मारा। दोबारा ये उतर के आया मेरे से बदला लेने के लिए, लेकिन दोबारा ये खड़े खड़े ही फायर कर रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नूब है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसने एक बार वो गलती कर दी, दोबारा उतर के सेम गलती दोहरा रहा है। इसे ही तो हम नूब कहते हैं। गलती सबसे होती है, हर एक इंसान से गलती होती है, पर अगर आप उस गलती को एक्सेप्ट करते हो, सुधारते हो और अगले बार से वो गलती नहीं करते हो, तो ही आप एक प्रो प्लेयर कहलाओगे। एक ही गलती बार बार करने वाले को ही तो नूब कहते हैं यार। प्लीज प्लीज फायरआइज गेमिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स देखा करो। अब जॉयस्टिक का यूज करके फायर करना, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल खुले में जाके अपने आप को पूरा एक्सपोज करके फायर कर रहे हो। ऐसे में तो कोई भी इधर उधर से कहीं से भी आपको पड़ सकती है ना। आपको या तो ग्लू वॉल के कवर में रहना है या किसी परमानेंट कवर में रहना है। परमानेंट कवर इज द बेस्ट ऑप्शन, बट अगर आपके पास नहीं है, आप खुले में हो, तो ग्लू वॉल का कवर, और उसके बाद आपको ऐसे कवर लेके फायर करना है। मतलब आपके ऊपर एक भी गोली एनिमी का नहीं लगना चाहिए। आप अपने आप को उसको दिखाओ ही मत, बिना दिखे उसको फायर करो, जिससे आप उसको डैमेज दे पाओ, आप उसको मार पाओ, बट वो आपको टच तक ना कर पाए। इसे हम कहते हैं कवर फायर। ये बेस्ट तरीका होता है अपने आप को डिफेंस करके सामने वाले एनिमी को इजीली किल करने का। तो आई होप आप समझ गए होंगे, एंड बहुत सारे लोगों को ये सारी चीजें पता होंगी, बट वो लोग फॉलो नहीं करते, गेम में जाके भूल जाते। यार ऐसे थोड़ी चलेगा, आपको ये सारी चीजों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जब आप मरोगे ना, तो वो याद रख लेना कि इस गलती की वजह से मैं मरा हूं, अगले बार से ये गलती मत दोहराना। अगर आप हर एक बार जब भी आप किल होते हो सामने वाले एनिमी के द्वारा, आप अपनी गलती को एनालाइज करोगे ना कि क्यों मरा मैं, क्या गलती कर दी ऐसी मैंने जो सामने वाला एनिमी मुझे मार के चला गया, बस ये चीज आप नोटिस कर लेना, इस चीज को एनालाइज कर लेना आपकी गलती को, आप अगली बार से वो गलती 101% नहीं करोगे। तो बस आज के लिए इतना काफी है, 8-10 मिनट का वीडियो हो चुका है। आने वाली वीडियोस में बहुत सारी चीजें आपको बतानी बाकी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दो यार। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।